मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और भाई व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मतलब एक सुबह मम्मी ने उठा दिया था और बोल रही थी कुछ काम है, इस वजह से भाई थोड़ा बाहर मतलब जाना पड़ा। वो कपड़े अपड़े प्रेस करवाने हैं और कुछ घर का किचन का सामान भी लेना है, तो पीछे वो कपड़े रखे हैं उनको प्रेस करवाने हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं थोड़ा इधर साइड, वहाँ पर प्रेस करवा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि आगे हमको क्या सामान लेना है। तो बाकी बस आ ही गए हैं, यहीं पास में आप लोगों को दिखा देते हैं बैक कैमरा करके। तो भाई यहाँ पर हमने कपड़े तो रख दिए हैं और अब जा रहे हैं जो मतलब किचन का सामान लेना, जैसे कि साबुन आबुन, तो वो लेने जा रहे हैं। तो अभी बस यहाँ से निकल चुके, इधर अपने साइड आए थे कॉलोनी साइड, क्योंकि यहीं पे हम अपने कपड़े मतलब घर के जितने भी कपड़े हैं वो यहीं पे प्रेस होते हैं। पहले तो वहाँ रोड पे होते थे, वहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं करता था, तो इस वजह से यहाँ पर आते हैं अब हम। और बाकी आज भाई बहुत ही बड़ा मतलब एक सीन है, देखते हैं अगर वहाँ जा पाएँ तो आप लोगों को भी दिखाएँगे। और बाकी अभी चलते हैं थोड़ा मतलब अपने मामा की दुकान पर, वहाँ पर चलते हैं सामान वामान ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बाकी सारी बातें बताएंगे गाइस। और भाई आज भी वैसा ही जोश है, बाकी आप लोग भैया वो वाला व्लॉग देख के कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने जो देखा था, जो आदित्य ने मेरे साथ प्रैंक किया था। अब काफ़ी ज़्यादा घटिया प्रैंक था, बट प्रैंक होता। बाकी मुझे तो भाई मतलब बात वो हो जाती कि यार देखो आप एक में काम कर रहे थे, मुझे लगा ये साला अलग कर रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब अजीब सा लगने लगा। मुझे भी लगा कि भाई सच बोल रहा है कि बंदा ब्लॉग भी कर रहा था इस वजह से। बाकी आप लोगों ने ब्लॉग देखा कमेंट करके ज़रूर बता दें कैसा लगा ब्लॉग। और बाकी अभी हम निकल चुके हैं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सॉन्ग का मजा लीजिए, हमारे साथ क्या ही बातें कर रहे हैं, तो हम भी ड्राइविंग पर फोकस कर लेते हैं। आप भी सॉन्ग सुन लीजिए। भाई मारुति शोरूम है, जो कि हम यहीं पे अपनी गाड़ी हैं, तो भाई साइड देते हैं थोड़ा रोक के और देख दाख के और निकालते हैं, क्योंकि ये भाई है मेन। थोड़ा रुक जाइए, हम पहले इसको मोड़ लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे गाइस। आप लोगों को मेरी ड्राइविंग कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बता देना। भाई जब भी मैं कार में आता हूँ, ऐसे तो कभी नहीं भूलता हूँ, बाकी कार में जैसे ही आता हूँ मैं अपनी वॉच भूल जाता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो बार बार मैं भूलूँ। और बाकी यहाँ से देख सकते हो भाई, ये जो ट्रक जो खड़े हो जाते हैं साइड में, इनकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, कि अगर भाई बंदा अगर गली हो और बीच से निकलो, अचानक से कोई कार भी आ सकती है, तो इस वजह से इसमें चांसेस बहुत सारे हैं। तो इससे भाई जब भी निकलिए तो भैया बड़े रोक के आराम से निकाला करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे मेरी तरह आराम से भाई मैं चलाता हूँ, देख रहे हो बिल्कुल 40 के अंदर ही अंडर में चला रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, क्या ही है। अपना थोड़ा काम वर्क कर लेते हैं, उसके बाद घर पे कार खड़ी करके आप लोगों को अपनी डाइट दिखाता हूँ, जो कि मैं रोज ही फॉलो करता हूँ भाई। वहाँ जिम करने के बाद अपना थोड़ा साइकिलिंग का सीन रहता है वो, जो कि घर पे रहता है। और थोड़ा मिरर को सेट कर ले, जो कि हिल चुका है, ये थोड़ा उसमें बोल्ट है जो वो ढीली पड़ गई, तो इस वजह से दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा हम उसको टाइट कर लेते हैं। हाँ, सामान वामान ले लिया गया है, जो कि अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सामान हमने रख लिया अपना, जो भी बिस्किट विस्किट होता सारा सामान जो भी खाने से रिलेटेड है लिया गया है। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अभी भाई हमको पीनी है चाय, जो कि अभी तक हमने पी नहीं है, क्योंकि उसके बिना भाई दिन की शुरुआत नहीं होती, वो तो मेरी लाइन सब लोग जानते हैं। बाकी अब चलिए भैया मोड़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को घर पर मिलेंगे। तो भाई जैसा कि आप लोगों को बोला था, मैं घर आके भाई डायरेक्ट मतलब घर आके ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे, तो वैसे मैंने कर दिया। तो अभी हम भाई जिस चीज़ की बात कर रहे थे, वो चीज़ मेरे साथ है, वो है चाय। भाई इस देखो, सब कुछ छूट सकता है, ये चीज़ नहीं छूट सकती, बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें बाहर की खाने बंद कर दी, इसीलिए आप लोग ब्लॉग में देख नहीं पा रहे होंगे कि मैं बाहर का कुछ भी खाता हूँ। वैसे तो स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट ये सब जाया करता था, अब थोड़ा डाइट पर भाई जब से जिम ज्वाइन कर दी, तो भाई थोड़ा बहुत तो मेनटेन करके रखना ही पड़ेगा बॉडी को, वरना अगर जिम ज्वाइन कर लिया और भाई कुछ फ़र्क ही ना आया तो वो चीज़ भी गलत है। तो इसी वजह से बाकी अब थोड़ा बहुत सही है, अपना वेट भी है जो हमको कम करना, तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि भाई हर चीज़ छोड़ दी है इस वजह से। बाकी अभी चलिए हम चाय पीते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू कर देंगे बिना विदाउट स्किप किए।
तो भाई जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था, घर से जैसे ही हमने चाय आई पी और वहाँ से निकल चुके थे, तो अभी आ चुके हैं आदित्य भाई के पास और अमन के पास। भाई चलो भाई वहीं व्लॉग कर लेते हैं चल के। तो भाई यहाँ पर भी हम लोग आए हैं और थोड़ा मतलब आज आप लोगों को दिखाएंगे जिम के बारे में कि कैसे जिम करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू। एक मिनट छोड़िए आप, जरा कैमरा सर छोड़िएगा, ये दिखाएंगे कि कैसे जिम करते हैं। ये का है? ये दिखाएंगे। मैंने वहां पर ऐसे ये वहां का सीन है। बताओ मैंने कंट्रोल भाई, मैं अपने कैसे जिम करते हैं पता। अरे हमारा सब्सक्राइबर अंदर भाग गया भाई, हमारा सब्सक्राइबर अंदर भाग गया भाई। यहाँ पर अमन भाई आ चुके हैं जो कि हमारे साथ बने रहे हैं कैमरामैन की तरह। तो आज हम बताने वाले हैं जिम में कि कैसे मतलब जिम करते हैं। तो वो आज इन्हीं ने हमें सिखाया, ये हमारे गुरु जी। तो भाई देख रहे हो बहुत ज़्यादा हमने कम किया, एक दिन में हमने 62। अरे यार फिर भाई 70 से 62 वजन कम किया। क्या बात कर रहे हैं, कौन मेरा वजन बता रहे हो भाई? मैं अपना बता रहा हूँ भाई। देखा बंदों को यकीन नहीं होता जब टैलेंट अगर भाई आप आपके अंदर जब टैलेंट आपके अंदर होता है तो हर कामयाब क्या बोलते हैं छोटी लगती है ना। हाँ हर कामयाबी छोटी लगती है। अरे की बात तो बिल्कुल पहले यो कपड़ा पहन लिया मेरे की कामयाबी बड़ी है। देखो क्या लेग्स हैं, बाकी अभी निकल लेग्स दिखा दो भाई, दिखा दो भाई पैर है नहीं मैं कुछ भी नहीं है। देख रहे हो भाई लापरवाही का नतीजा। तो बाकी अभी मन तैयार होंगे उसके बाद हम लोग जिम में आप लोगों को आज ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, हमने तो उल्टा बोल दिया। हाँ सही भाई। तो भाई यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने जैसे आप लोगों को बताया था जिम जाएंगे, तो जिम के बाद हमने देखा मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं रहा है, बाकी पैसे हैं अभी जा रहे हैं इस पर तेल डलवाएंगे चल के। भाई देख रहे हो अमन भाई अपना है तो वो अपना खींचते हुए ले जा रहा, हम पीछे पीछे वॉक कर रहे हैं। बाकी बाद में हम लोग चेंज हो जाते हैं कि बाद में सुशांत आ जाएगा, फिर वो जब थक जाएगा इस वजह से। बाकी अभी चलते हैं पेट्रोल टंकी पे मिलेंगे। बाकी क्या ही बोली, ये अपने ही साथ ऐसा ही होता है रहता है, और उसके पीछे जो ये सब हुआ है उसके पीछे इस बल इसका हम बंदे का हाथ है, ये जो आगे टहलते हुए जा रहा है भाई, इसकी वजह से पूरा तेल ख़त्म हो गया है क्योंकि भाई ये इधर उधर घुमाता रहता है इसलिए। तो भाई लोग आज पैदल टहल के कैसा लग रहा है, मैं आगे आके मत पूछ रहा हूँ। करंट आ रहा है? करंट नहीं है, ठंडा पानी, इसको पकड़ रखो, बहुत ठंडा है। तो भाई यहाँ उस्ताद जी बहुत ज्यादा थके हुए हैं। 2000 years later लोग जिम करके निकल चुके हैं। कैसा लगा भाई आज तुम्हारा भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? मतलब अच्छा है। ये तो बेकार है, तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आज जिम करके? गुड बॉय, तुम्हारा एक्सपीरियंस इनसे बात ही नहीं करना बेकार है। बाकी ये अपनी जिम जो कि हम लोग कर चुके हैं भाई, चलेंगे इसके बाद पनीर के पैसे आप लोग जाके कुछ भी खा सकते हैं। पनीर पैसे दे दीजिए, इसके पास है ये फंस गया सी है। तो भाई इसको मैंने फंसा दिया, अब हम लोग अपनी गाड़ी से निकल ले रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दो बार हो जाता भाई। मजे अमन, अमन एक बात बताओ, स्कूटी निकालोगे? आई लव पैकेट खुलाना ही भिखारी चले आए। बता रहा हूँ आज मैंने जीप भर के भाई सब का वर्कआउट किया है, तुम मानोगे नहीं, हमें इतनी गुस्सा आ रही है उस टाइम पे, हम ब्रम्बल अम्बल निकाल के फेंक देते हैं। ये बात तो सही है। तो भाई यहाँ पे बैक करते हैं, उसके बाद निकल चलेंगे घर पे, घर पे आ जाता ब्लॉग बना देंगे। आने के बाद हमने सोचा कुछ फ्रूटी एक पी ली जाती है, कि गला बिल्कुल सूख चुका था और वहाँ पे हम लोगों ने पानी नहीं पिया था, इस वजह से तो हम फ्रूटी पी रहे हैं। तो इसके बाद घर निकल जाएंगे।